बहुत क्लियर है पानी। हम लोग फिफी आइलैंड पे आ गए हैं और हम लोग स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हैं। स्कूबा डाइविंग का जो चार्ज है वो 1800 भाट है, लगभग 4500 के आसपास आएगा। और अगर फोटो वीडियो चाहते हो तो 600 भाट आपको अलग से देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका गोप्रो या ऐसा कोई डिवाइस है जो वाटरप्रूफ हो तो आप खुद से भी उसको शूट कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है। और ये पैकेज हमने जो बुक किया था पेटोंग बीच से, तो हमें ये पैकेज पड़ा था 950 भाट का। मीन्स यहाँ पे लाना, यहाँ पे यहाँ से ले जाके वापस छोड़ना होटल पे, और हल्का फुल्का खाना पीना, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर, ये सब इंक्लूड है इसमें। यहाँ पे शॉप्स हैं जो आप शॉपिंग कर सकते हैं। और ये आइलैंड काफ़ी खूबसूरत है, सुनामी का थोड़ा बहुत खतरा रहता है, तो इसके लिए यहाँ पे माउंटेन्स पे जाने के लिए रास्ता दिया हुआ है ताकि आप ऊंचाई पे पहुँच जाएँ सुनामी के समय। Before the people have to start. So how can we go? Yeah, you have dive master. That's why you follow me. You okay. Understand. If you don't follow yeah. me. One banana shake. So guys, मैंने यहाँ पे दो banana shake mango के साथ mix करके और एक French fries लिया है, और ये हमें total पड़ रहा है 200 भाट का। 200 भाट का पड़ रहा है, यानी कि आपका हो गया 2×10 लगभग 500 रुपये का। 500 रुपये का दो भुट्टा कितने का मिला? 50 भाट 10×25 लगभग 125 रुपये का भुट्टा। अच्छा स्वीट कॉर्न, थैंक यू। फ्रेंच फ्राइज, यस मोमेंट। ये लोग यहाँ पे वेट को बोलते हैं मोमेंट, और फिर मिक्स को बोलते हैं मिक। किसी चीज़ को मिक्स करना तो मिक करना है। टेस्ट अच्छा है इसका। स्कूबा डाइविंग हम लोग ने नहीं की क्योंकि हम लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे थे और लगभग 9000 रुपये कट रहे थे, तो हम लोग ने इतनी वर्थ नहीं समझी उस चीज़ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा मेरे को, और सो हमने कैंसिल कर दिया। स्कूबा डाइविंग नहीं कर रहे हम लोग। ब्रेकफास्ट, लंच,
चलो ये पत्थर जो है मैं अब फेंक रहा हूँ और देखते हैं कौन उठाता है। कहाँ पड़ा है? थ्री टू वन गो। अरे मैं मुझे पता नहीं था, चलो ये फिर से कर दे फीफी आइलैंड घूम लिया, अब जा रहे हैं वापस अपनी कार की तरफ और फिर वहाँ से जाएंगे सीधे होटल।